जैकलिन फर्नांडिस का हाल ही में रिलीज हुआ गाना एक दो तीन मुश्किलों में पड़ता नजर आ रहा है। यह गाना माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के हिट गाने एक दो तीन का रीमेक है। तेजाब के डायरेक्टर एन चंद्रा और ओरिजिनल गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान बागी 2 के इस गाने से नाखुश हैं। एन चंद्रा ने इस गाने को मूर्खता को दिखाया गया है। एन चंद्रा ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी तक डाली है। बता दें कि ओरिजिनल गाने की कोरियोग्राफर सरोज खान ने जैसे इस गाने का रीमेक वर्जन दिखा वे एन चंद्रा के पास गई और बताया कि जैकलिन ने नया वर्जन शूट किया है। क्या आपने देखा है कि उन्होंने आपके एक दो तीन गाने के साथ क्या किया? सरोज खान के बताने के पहले एन चंद्रा ने इस गाने को नहीं देखा था। इस गाने को देखने के बाद एन चंद्रा काफी अपसेट हो गए। उन्होंने कहा, अब जैकलिन फर्नांडिस माधुरी दीक्षित के इस गाने को कर रही हैं तो ये तो ऐसा ही है जैसा सेंट्रल पार्क को बोटेनिकल गार्डन में तब्दील कर दिया गया हो। हालांकि सरोज खान ने इस गाने पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। इसी बीच रेस 3 के में जैकलिन की को स्टार सलमान खान का मानना है कि जैकलिन ने माधुरी दीक्षित के इस मशहूर गीत एक दो तीन के रीमेक के साथ पूरा न्याय किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, मुझे ये गाना बेहद पसंद आया। जैकलिन ने सरोज जी के डांस स्टेप पर इस गाने के साथ पूरा न्याय किया है। माधुरी को मैच करना मुश्किल है। मुझे अच्छा लगता है कि इस यह देखकर कि जैकलिन और वरुण को हमारे गानों पर डांस करते और हमारे पुराने गानों को जिंदा रखकर देखना शानदार है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है, आप भी इंजॉय करो। वहीं जैकलिन ने अपने एक बयान में कहा था, हम सिर्फ वह करने की कोशिश कर रहे हैं जो सरोज मैम ने किया है। हम वाकई में उनके काम के कायल हैं। मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ जब माधुरी दीक्षित मैम इस गाने को देखेंगी। मेरी बात छोड़िए, कोई भी वह नहीं कर सकता जो माधुरी मैम ने किया था। तेज न्यूज़।